पहले भी ऐसे कर रहे चोरों ने इन्होंने बहन के रोज मेहमान है चोर है बोलो बोलो तुम बोलो बनाओ तुम काहे पे भी आप वोट डालो फुल पे डाल रही है क्या रहा है मना बीजेपी का सुनियो बोल रही सुनियो कि माँ की चोदन के किसका बटन दबाया था सुनियो बोल रही क्या नाम है आपका मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है शाहिद ये बताओ कौन सा मोहल्ला और क्या परेशानी आई है ये मोहल्ला रशीदनगर क्षेत्र है वार्ड नवासी है यहाँ से मेरी वाइफ है इसरत झा के नाम से वो प्रत्याशी है यहाँ जेके पब्लिक स्कूल पर पोलिंग बूथ था उस पर जो बड़ी वोट डलती है इसमें हाथी का बटन दबाते हैं तो कमल के फूल पर जाती है वोट हमने उसको ऑब्जेक्शन उठाया था काफ़ी लोग इकट्ठे भी हो गए थे प्रशासन भी आ गया था तो हमने उसमें सील लगवा दी है और उसके बाद वो उसमें दोबारा या तो चालू करेंगे ठीक करेंगे या उसको बदलेंगे और जिन जिनकी वोट खराब हुई है वो लोग दोबारा वोट डाल सकते हैं इस तरह का हमने उनसे बात कम से कम कितनी वोट ऐसी हुई है जिसपे फूल का वो आया है कम से कम बता रहे हैं लोग बाग जो बता रहे हैं कम से कम 150 वोटों का फर्क आया उसमें अंदर क्या मानते हैं आप इसे बहुत नुकसान वाली बात है और लापरवाही वाली बात है और मैंने सुना है कि और दूसरे वार्डों में भी ये मामला चला है अगर ऐसा है तो भाजपा वालों की सब साजिश है बताओ मुस्लिम क्षेत्र के अंदर भी हो रहते हैं यहाँ पर तो हिंदू बहुल क्षेत्र है ही नहीं यहाँ कोई बीजेपी के प्रत्याशी है कोई बीजेपी का यहाँ प्रत्याशी नहीं है दूर तक भी नहीं है उसके बावजूद बीजेपी उसके बावजूद देखो बीजेपी को वोट जा रही है ये उनकी साजिश है और उन्होंने पहले से ही ये कर रखा और हम आवाज उठाते आए पहले से ही कि वोट बटन दबाओ किसी पर जाती है फूल पे तो ये सबूत है और हमने खुद वीडियो बनाई थी उसकी मैंने खुद देखा है जो अपना मतदान कर रहा था मैंने उसकी वीडियो बनाई है उसने निशान लगा रखा था हाथी पे लगा रखा था और कमल के फूल पे जा रही थी वो जी तस्लीम भाई बोलो तस्लीम भाई बोलो मैं तस्लीम आरिफ सुबह जो है मैं अपनी वोट डालने आया और जो है मैंने हाथी के बटन पे उंगली दबाई जो है वोट जो है फूल को जा रही है ये सामने सबूत है मैंने इसे उंगली को नहीं हटाया एक घंटे से तकरीबन ये इसी पे उंगली लगा रहा है अभी तक इसका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा मशीनों में गड़बड़ आ रही है बहुत ज्यादा